नमस्ते, आई रसिका दीक्षित हातोलकर वेलकम यू ऑल टू रसिका बिलीव चैनल। टुडे माय सब्जेक्ट इज कुकिंग एंड माय टॉपिक इज लेडी फिंगर इन माइक्रोवेव ओवन। यस, एक गैजेट है, किचन गैजेट जो है माइक्रोवेव ओवन, विच वी जनरली द लेडीज परचेस्ड इट, बट दे आर लाइक क्वाइट कंफ्यूज्ड कि इसे यूज कैसे करना है। हम जनरली जो बचा हुआ खाना होता है उसे गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, सुबह का शाम को, शाम का सुबह। मगर इससे ज़्यादा हम उसका यूज़ करने से थोड़ा सा कतराते हैं या डरते हैं या बहुत सोचते हैं या विचार करते हैं। लेकिन आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वाइट एक्सपर्टीज इन यूजिंग माइक्रोवेव ओवन, बट जो मेरे जैसे बिगनर्स हैं जिनको नए नए सीखने हैं नुस्खे कि कैसे यूज़ करना है माइक्रोवेव ओवन अलग अलग डिशेज के लिए, उनके लिए खास ये वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, वी आर गोइंग टू मेक लेडी फिंगर इन माइक्रोवेव ओवन, दैट इज भिंडी की भाजी माइक्रोवेव ओवन के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन अ बेल आइकॉन एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ऑल माय वीडियोस, डू इट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो भिंडी की भाजी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स वी नीड टू मेक लेडी फिंगर विचिकन। रेडी, पिक अ पेन एंड पेपर और स्टार्ट डूइंग इट विद मी, लेट्स एंजॉय डूइंग इट। हमें लगेगा एक माइक्रोवेव ओवन, इसके अलावा एक माइक्रोवेव सेफ बाउल, ग्लास बाउल, मसाले, हल्दी, लाल तिखट, हींग, इसके अलावा हमें और लगेगा धनी पाउडर, नमक और कांदा लहसुन का मसाला और सब्जी मसाला, वेज मसाला एवरेस्ट का, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द टेस्ट। और इसके अलावा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है भिंडी, यस, नींबू, हाफ बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ। अब हमें करना क्या है, लेट्स स्टार्ट। आपको भिंडी के डेट काट लेना है, डेट काट लो और उसकी शेंडी भी काट लो। यू हैव टू कट फ्रॉम बोथ द साइड, द लेडी फिंगर अप एंड डाउन, कैन यू सी, या ओके। सो आपके जितने भी हैं आप सब ऐसे कट कर लो पहले। अब आपको क्या करना है, भिंडी को सीधा चिरना है बीच से, ओके okay? और अब इसके टुकड़े आपको कर लेने हैं, जस्ट कट इट इन टू टू और थ्री पीसेस। इट्स लाइक इतने बड़े बड़े बहुत हैं, मोर देन इनफ। तो अगेन आई विल शो यू, बीच में से कट करना है और फिर उसके फोर टू फाइव, अगर बड़ी है और छोटी है तो तीन टुकड़े बहुत हैं, एक दो तीन, मोर देन इनफ। आई विल अगेन रिपीट वंस अगेन, बीच में से कट और बाद में इसके टू टू थ्री पीसेस। आप देख सकते हैं ये एकदम बारीक टुकड़े भी नहीं है और एकदम बड़े टुकड़े भी नहीं है, मिडिल साइज। नाउ वेरी सिंपल, आपको आपकी चॉप की भी भिंडी लेनी है, आपको सिंपल उसमें सारे मसाले डालने हैं। आई विल स्टार्ट विथ हींग, स्प्रेड कर देंगे हम सभी चीज़ें स्प्रेड करके डालेंगे। लाल तिखट, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे खाने वाले हैं तो मैं लाल तिखट थोड़ा कम डालूंगी। हल्दी,
धनी पाउडर, नमक, आप आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। नियर बाय ये मोर देन हाफ केजी है तो मैं इसमें 3 स्पून प्रेफर करूंगी। ये है कांदा लहसुन मसाला, और ये है एवरेस्ट का भाजी मसाला, वेजिटेबल मसाला, ये भी मैंने नियर बाय 2.5 स्पून डाले हैं। लगभग सारे मसाले हमें 2 या 3 चम्मच डालने हैं, 2.5 या 3 स्पून आपके टेस्ट के हिसाब से, और अभी हमें इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। नाउ मिक्स करने के लिए यू कैन यूज अ स्पून इफ यू वांट। या आप अपने हाथ से भी इसे प्रॉपरली मिक्स कर सकते हैं, योर चॉइस। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, बीइंग वी आर इंडियन एंड आई लर्नड इट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। सरप्राइजिंगली द बेस्ट वे, इजंट इट? नाउ मैं नींबू लेना चाहूंगी, मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं एंड आई वांट टू जस्ट स्प्रिंकल ऑन इट। ठीक है, मैंने पूरा हाफ नींबू इसमें प्रॉपरली मिक्स कर दिया है। सो नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग, दे लुक प्रिटी। अब हमें करना क्या है, हमें हमारा माइक्रोसेफ बाउल लेना है और इस पे सिर्फ हमें एक ब्रश से हल्का सा तेल स्प्रेड कर देना है और कुछ नहीं करना है। तेल का यूज इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, एंड बस आप सब इसमें पो कर दीजिए। तो अभी हमारी वेजिटेबल रेडी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इसको कवर करना है, आप कांच का ही कोई भी यूज करना, जस्ट कवर इट। जैसे कि हमारी भाजी तैयार है, मैंने एक कांच के छोटे से प्लेट से इसे ढक दी है। ओके, अब हम माइक्रोवेव ओवन ऑन करते हैं। नाउ आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको खोलना है, इसके अंदर अपना ट्रे रख देना है बीचो बीच प्रॉपरली बन। अब सबसे मेन आपको सिंपल इसको स्टार्ट करना है और आपको टाइम सेट करना है, और आपको 3 मिनट का टाइम सेट करना है। कितने मिनट का? 3 मिनट का। सो आई विल सी यू आफ्टर 3 मिनट्स। तो जैसे ही आपको आता है एंड का मैसेज, आपको इसको खोलना है। ओह माय गॉड, आफ्टर 3 मिनट्स देयर इज अ फ्रेग्रेंस। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको माइक्रोवेव सेफ आपके हैंड ग्लोव्स पहन लेने हैं पहले। अब आपको इसे एक बार फिर से मिक्स कर देना है, ओके, प्रॉपरली।
नाउ हमने पहली बार इसको लीड लगाया था, हमने इसे झांका था, तो आप देख सकते हैं कि इसे वाफ छूटी, तो ये थोड़ी सी गीली गीली हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 मिनट्स के लिए खुली रख देंगे अंदर, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। हम प्रॉपरली इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्प्रेड ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा हिला लेते हैं, और अब हम इसको फिर से अंदर रख देंगे। I will use my gloves. It's too hot inside, as well as the bowl is also hot. Keep it safely. Keep yourself safe while using these types of gadgets. And increase the time for 2 minutes. Okay. Now, जैसे ही आपको इनका साइन मिला, आपको इसको ओपन करना है और सी, आप देख सकते हैं, ओह माय गॉश, इट्स लिटरली अमेजिंग, वाव 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 वाव, जस्ट क्लोज दिस, आई वुड लाइक टू शो यू इस सी। ना वो कच्चे हैं, ना वो अधूरे हैं, वो कम्प्लीटली पक चुके हैं और बहुत प्रॉपरली हुए। माय गॉड, दे सी, दे आर रेडी, 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स, एंड बिफोर आई सर्व देम, आई वुड लाइक टू पुट कोरिएंडर, धनिया, कोथिंबीर, आई वांट टू जस्ट स्प्रिंकल ऑन इट बिकॉज़ आई जस्ट लव इट। सी, इज़न्ट इट लुकिंग ब्यूटीफुल। सो झटपट लेडी फिंगर वेजिटेबल इज रेडी जस्ट विद इन 5 मिनट्स, 3 मिनट्स विद अ लीड एंड 2 मिनट्स विदाउट अ लीड, एंड सी we use it and we made a delicious dish out of it. I know bahut expertise hai wahan par bahar jo ye dekh rahe hain, jo ye jante hain ki uska kaise use karna hai aur mujhse bhi achhi dishes bana sakte hain maybe, but ye un ladkiyon ke liye hai jo apni working mothers ko madad karna chahti hain, the young girls out there of studying in a school and want to help their mothers, jo bana kar rakh sakti hain without any fear of a fire, just in a microwave oven, and so simple steps they were. उन मदर इन लॉज के लिए, उन मदर्स के लिए जो अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को कुछ मॉडर्न देना चाहती हैं कि देखा मुझे भी आता है, आई एम बेटर देन यू एट होम, उन सब के लिए जो मेरी जैसी हैं, जिनके तो लिटिल बेबीज हैं और जो उन्हें हैंडल करती है और कुछ नया सीखना चाहती है, टेक्नोलॉजीज से और फेमिलियर होना चाहती है, उनके लिए ये वीडियोस, और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ, कुछ जनरल नॉलेज के साथ, कुछ स्टडिंग के साथ, कुछ कुछ नॉलेज के साथ, कुछ कुकिंग के साथ, कुछ अलग हट के फैक्ट्स के साथ मैं आपसे हमेशा ही मिलते रहूँगी रसिका बिलीफ चैनल पर। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड see you soon with my new video. Till that, bye bye, enjoy the aroma.